हेलो एंड वेलकम टू द कैम फैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्प्लिटिंग डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ ज्योमेट्रीज हैं, उनके बारे में देखेंगे, जैसे स्क्वायर, एंटीप्रिज्मेटिक, पेंटागनल, बायपिरामिडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम जनरली जानते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, वो हम पढ़ ही चुके हैं। और आप क्रिस्टल फील्ड थियोरी लेक्चर नंबर 3 है, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए कैम फैक्ट एजुकेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टाइप कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में एक लेक्चर होंगे 3-4, उसमें सीएफटी को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप सीएफटी का पूरा आइडिया नहीं समझेंगे क्या कहती है वो और किस पे बेसिस है और स्प्लिटिंग ऑफ ड्यूरेबल क्यों होती है और ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल अगर आप देख के आएंगे तो ही इस वीडियो को आगे देखने का मज़ा है, क्योंकि तभी तुम सारी बातें मेरी समझ पाओगे। अब देखो, कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। चलिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे सिंपल ज्योमेट्री की, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को समझते वक्त हमने सीएफटी में क्या सीखा, जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं तो मेटल्स के पास जो आउटर सबसे बाहर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उनमें, और लिगेंड के जो नेगेटिव चार्ज में है रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल जो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। और इन रिपल्शन का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम ना रहे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, हम ऑक्टाहेड्रल को कितनी बार रट चुके हैं, मैं इसको अब सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो पढ़ाना चाहिए, लेकिन 11th 12th क्लास के बच्चों को ऐसे नहीं बोला जा सकता, और बाद में बीएससी एमएससी में हम चेंज करते भी नहीं है, इसी कहानी को आगे चला देते हैं। हम ये मान के चलते थे ये मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल हैं, फ्री डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि कोई और लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लिगेंड जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जब अप्रोच करते हैं तो जो ज़्यादा रिपल्शन होता है उन लोब्स में होता है, कौन से वाले, जो एक्सिस के अलोंग होती है, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में रिपल्शन उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो यानी जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिपल्शन हुआ वो कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और जिनमें कम रिपल्शन हुआ वो कौन से हुए, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, लेकिन रिपल्शन तो सभी में हुआ तो सबकी एनर्जी जो है वो बराबर इंक्रीज हुई। ठीक है, यहां से हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों का वेटेड एवरेज एनर्जी एवरेज, जिसको हम बैरिसेंटर बोलते हैं, तो तुम अगर वो लाइन जो हम बनाते हैं वो क्या होती है, क्या वो इन दोनों यहां से ऊपर और यहां से नीचे एनर्जी बराबर होती है, नहीं। हम ऐसा मानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी है वो एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो ये वो पॉइंट है, हम ये मानेंगे जितनी एनर्जी से यहां नीचे जाओगे, इन तीनों ने जितनी एनर्जी रिलीज की होगी उतनी ही एनर्जी से ये दोनों ऊपर गए होंगे, और ये वो सेंटर जहां से हम इस ऐसे पॉइंट, इस सेंटर को लेते हैं कि जिससे नीचे जाने वाले जितनी एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे वही एब्जॉर्ब करके ऊपर गए होंगे, उस सेंटर को हम क्या बोलने लगते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तुम इनको बनाने के बाद भी बना सकते हो, और बैरी सेंटर को ही हम मानते हैं वो डी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर लिगेंड सिमेट्रिकल होते हर डायरेक्शन से, और अगर हर डायरेक्शन से सिमेट्रिकल होते तो यहां पर होती उनकी एनर्जी, जिसको हम बच्चों को बोलते हैं ये है बैरिसेंटर। हम हमेशा यहां से इसको बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तुम पहले स्प्लिटिंग देख लो और बाद में बैरिसेंटर को भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने बताया था कैसे ही हम एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इनके बीच की गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया है। पर ऑर्बिटल कितनी एनर्जी से नीचे आता है, तो मैंने बताया था ऊपर कितने हैं गए हैं, 2/5 डेल्टा नॉट, नेगेटिव का मतलब है एक ऑर्बिटल जब नीचे आया होगा तो -2/5 डेल्टा नॉट एनर्जी रिलीज हुई है, तो तीन ऑर्बिटल नीचे आए हैं तो कितनी रिलीज हुई होगी, -2/5 × 3 यानी -6/5 डेल्टा नॉट, तो ये भी उतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि हम यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो ये बात ध्यान रखना कि एक ऑर्बिटल 3/5 डेल्टा नॉट से ऊपर जाएगा, तो दो ऑर्बिटल से किससे गए होंगे, 6/5, तो जितनी एनर्जी से नीचे आए उतनी से ही ऊपर चले गए हैं। तो ये छोटा सा रिवीजन कराया है मैंने किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम कैसे स्प्लिटिंग करते थे। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, यहां से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में भी तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, उसको तुम सिर्फ याद कर लेते हो, क्योंकि याद करने को ज्यादा नहीं है तो तुमने याद करना चूज किया। अब मैं एग्जैक्ट डेटा और एनर्जी के साथ बात करूंगा तुम्हारा। सिंपल एंड फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं, विच आर लीनियर कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग डाली लीनियर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एग्जांपल्स हमने बहुत सारे क्लास में पढ़े हुए हैं,
दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्सेज. इन द क्लासेस हमने पढ़ा है कि वॉट आर द फैक्टर दैट विल अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. मेटल के चार्ज कैसे और उसका साइज कैसे अफेक्ट करेगा. बट ये एग्जाम्पल हमने मोस्टली पढ़ा होता है लीनियर का है, और भी एग्जाम्पल हमने क्लास में पढ़े हैं. मुझे यहाँ इंटरेस्ट है सिर्फ इसमें मेटल आयंस के CFT के अकॉर्डिंगली डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट हुए होंगे उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये मेटल है तो जो लिगेंड अप्रोच करेंगे, जिस एक्सिस से अप्रोच करेंगे उस एक्सिस को हम क्या नाम दे देंगे, जेड एक्सिस दे दिया जाता है. बात समझ आ गई है. और हमेशा ये बात ध्यान रखना, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग डायग्राम मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो कुछ एक्सिस हमने एज्यूम की हुई है. आप लोग भी यही एज्यूम करके चलिए, क्योंकि एग्जामिनर इनको ही मान के चलेगा, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा. तो जिस एक्सिस से लिगेंड आ रहा है उसको क्या मानेंगे लीनियर में, हम जेड एक्सिस मानेंगे. अब देखो, रिपल्शन की बात की जाए तो हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं, दो तरीके हैं पढ़ने के. या तो तुम बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की तरह पढ़ो कि सर डी ऑर्बिटल पहले फ्री मेटल आयन के यहाँ थे, फिर सिमेट्रिकल फील्ड में यहाँ हो गए, एंड देन स्प्लिट हो जाएंगे लीनियर में. तो क्योंकि जेड एक्सिस से लिगेंड आया तो जेड एक्सिस वाला सबसे ऊपर रहेगा डी जेड स्क्वायर, देन इस तरीके से पढ़ सकते हो. या फिर हम इस सारी बातों को कट कर देते हैं, जो काम की चीज़ें उस पर आते हैं कि ये है बैरी सेंटर. ठीक है, जितने ऑर्बिटल इस बैरी सेंटर से नीचे गए होंगे जो एनर्जी उन्होंने रिलीज की होगी वही ऊपर वालों ने एब्जॉर्ब की होगी. और हम इतनी बात तो यहाँ से ही समझ पा रहे हैं, अगर लिगेंड जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन उन्हीं ऑर्बिटल्स में होगी डी जेड स्क्वायर, हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई एक्सिस में भी होती है, कि जो ये लिगेंड यहाँ से रिपल्शन कर रहे होंगे क्योंकि इसी की लोग डायरेक्टली टूवर्ड द लिगेंड है. तो सबसे हाइयर एनर्जी में जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, डी जेड स्क्वायर होना चाहिए. दैट इज वाई लीनियर के केस में क्वेश्चन अगर आता है सबसे हाइएस्ट एनर्जी का डी ऑर्बिटल कौन सा है, तो आंसर है डी जेड स्क्वायर. और उसकी जो एनर्जी रेज हुई है वो कितनी है, 5.14 डी क्यू. और मैं पहले बता चुका हूँ डी क्यू इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जो डेल्टा नोट से कैसे रिलेटेड है, 1 डेल्टा नोट इक्वल्स टू 10 डी क्यू. और डेल्टा नोट को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो एनर्जी में भी जूल किलो जूल में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्लास में सिखाया है मैंने. तो डी जेड स्क्वायर सबसे हाईर एनर्जी में होगा लीनियर के लिए, वो तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहे हैं. मान लो ये वाली एक्सिस है एक्स, क्लियर है, तो तुम्हारा डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो होगा वो यहां होगा, होगा इसी प्लेन में, क्योंकि ये है जेड ये है एक्स, तो इसी प्लेन में आ गया. लिगेंड यहां पे है तो एक्स जेड वाले के साथ लिगेंड का रिपल्शन हो रहा होगा, लेकिन डी जेड वाले के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, काफी कम हो रहा है, कुछ 45 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है. यानी कि तो ज्यादा रिपल्शन डी जेड स्क्वायर वालों में हुआ है, इनमें बहुत ही कम हुआ है. बात समझ आ रही है. और कम आने का मतलब यह है, तो ये जो रेज हुआ होगा डी एक्स जेड वाला, मान लो कम ही एनर्जी में, तो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 0.5 डी क्यू से ये रेज होते हैं. और क्योंकि हम जानते हैं इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैं वाई भी मान सकता था, तो ये वाला वाई जेड भी हो सकता था. या तुम ये मान लो अगर ये एक्स जेड है ये वाला वाई है, तो वाई जेड वाले भी इन लिगेंड से 45 डिग्री पर ही रहेंगे. आराम से बना के आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो ये दोनों ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये बहुत कम एनर्जी में ऊपर राइज करते हुए नजर आएंगे. अब हम जानते हैं कि दो ऑर्बिटल हमारे पास बचे हैं, कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, उनका क्या हाल है. तो अगर मैं मान लूं दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज दिस ऑर्बिटल, बात समझ में आ गई. और डी एक्स वाई वाला होता है, इनकी लोब यहां होती है बीच में, इस तरीके से होगा. अब जरा ध्यान से देखो, लिगेंड कौन सी एक्सिस से आ रहे हैं, जेड एक्सिस से आ रहे हैं. तो जब जेड एक्सिस से लिगेंड यहां आ रहे होंगे तो वो रिपल्शन इन सब ये सारी की सारी लोब, ये लिगेंड जो यहां से आ रहा है उसके लिए आइडेंटिकल है. बात समझ आ रही. ऐसे ही जो पीछे से आ रहा होगा तो ये 8 की 8 लोब बिल्कुल आइडेंटिकल है. तो ये बिल्कुल, और सीधी सी बात है, लिगेंड है वहां इन एक्सिस पे और ये लोग बिल्कुल इस प्लेन में हैं, तो ये कुछ खास रिपल्शन नहीं एक्सपीरियंस कर रही हैं. तो इसका मतलब ये है ये स्टेबलाइज हुई होंगी. तो स्टेबलाइज होने पे दोनों की एनर्जी बराबर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है लिगेंड के लिए, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई दोनों ही स्टेबलाइज होंगे. तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -3.14514 डी क्यू. अब अगर तुम ध्यान से देखो, एक ऑर्बिटल ने 3.14 एनर्जी रिलीज की है, तो दो ने कितनी की हो, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एनर्जी आई होगी वो टोटल रिलीज एनर्जी है. उनमें से एक ऑर्बिटल ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, तो दो ने कितना किया होगा, इसको 2 प्लस इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली है, इतनी जोड़ देना. जो रिलीज है और जो गेन है वो हमेशा बराबर आएगी. तो इसका मतलब हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर लीनियर कॉम्प्लेक्स है तो किस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है. और विद डेटा मैंने तुम लोगों को बताया है, इसी तरीके से आने वाली ज्योमेट्रीज को भी हम बहुत लॉजिकली समझते हुए चलेंगे. पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ यही कि लीनियर कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो सकती है, तो उसका हम इसी तरीके से एक एक करके सबको एनालाइज करते हुए चलते हैं. स्प्लिटिंग ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ द डी ऑर्बिटल इन ट्राइगोनल प्लेनर.
इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एनर्जी फील की है और हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और साथ में इसी ज्योमेट्री से मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगर तुम वो ध्यान रखोगे तो ये समझ में आ गई अगर, तो तुम चाहे फिर मैं तुम्हें आज के बाद स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बनाने को कहूं या कोई भी बनाने को कहूं, तुम सभी ज्योमेट्रीज को बना दोगे। तो क्या तैयार हो इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए? तो ट्रायंगुलर प्लेनर को अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, ये है आम जिंदगी कि एक इस तरीके से ट्रायंगुलर प्लेनर। अब एक अगर इस तरीके से है बॉन्ड, एक बाहर जाता हुआ नजर आएगा, एक अंदर, अगर तुम इस तरीके से बनाना चाहते हो, ठीक है। तो हम ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो एक्सिस है, ये ट्रायंगल जिस प्लेन में है उसे छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा इस वाली एक्सिस को हम क्या मान के चलेंगे? जेड एक्सिस मान के चलेंगे। यानी ट्रायंगल अगर इस प्लेन में है तो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस हो गई जेड। तो ट्रायंगल कौन से प्लेन में हुआ? एक्स वाई प्लेन। इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा ये है कि सर एक्स एक्सिस कौन सी और वाई एक्सिस कौन सी होगी, और हर जगह यही डिसाइड करने में बच्चों से गलती हो जाती है। मैंने बना दिया अब इसको बोर्ड के प्लेन में, मैं इस बार उल्टा काम कर रहा हूं भाई। ये है एक्स एक्सिस और ये वाली होगी वाई एक्सिस, क्लियर है बात? और जो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। इसलिए ध्यान से देखो, जेड एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल नहीं है, डी जेड स्क्वायर वाला सबसे नीचे होना चाहिए था लेकिन सबसे नीचे नहीं है, क्योंकि dz² वाले में तुम जो एक्स वाई प्लेन में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना के दिखाते हो सर्कल से, तो एक्स वाई प्लेन में ही लिगेंड है और उसी में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस वजह से देखो dxz और dyz इनका तो एक्स और वाई प्लेन में कुछ पोर्शन नहीं आ रहा होगा। मान लो ये है एक्स वाई प्लेन और यह है जेड एक्सिस, ट्राइंगल तुम्हारा इस प्लेन में है, ठीक है। तो अगर तुम dxz की बात करोगे तो लोब एक यहां आती हुई नजर आएगी, ठीक है, एक इधर से बाहर निकलती हुई नजर आएगी, ऐसे ही दो अंदर जाती हुई नजर आएगी। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि तुम अगर इस लोब को बहुत सिंपल तरीके से बना के देखना चाहोगे तो तुम्हें नजर आएगा एक्स वाई प्लेन में कोई भी लोब नहीं जा रही है, सेंटर जरूर सबका यहां पे है, सबका यहां पे है। फिर एक बार समझा देता हूं, अगर ट्राइंगल इस तरीके से है यहां पर, ठीक है, यह है जेड एक्सिस, क्लियर। तो अगर एक्स एक्सिस ये है एक्स, तो एक्स वाई एक्स जेड वाला जेड और एक्स के बीच के चार लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्लेन में कुछ नहीं आया, वाई वाली को तुम इधर मान लो तो वाई जेड वाली लोब इस तरीके से होंगी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं और वो एक बात ये है कि dxz और yz इनका एक्स वाई प्लेन में कोई पोर्शन नहीं आ रहा है, दैट इज वाई ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, ये सबसे खुश हैं। डीजेड स्क्वायर के केस में अगर हम देखा जाए तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसका आंसर हमारे पास ये है कि फाइनली ये भी क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? dx² - y² एंड dxy की एनर्जी ज्यादा है। और अगर इनकी एनर्जी ज्यादा है तो सीधी सी बात है, ये बात तो हम समझ पाते हैं कि सर ऑब्वियसली जब लिगेंड xy प्लेन में है और xy² और xy ये भी एक ही प्लेन में है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में बराबर होगा ये कैसे बात है? एक्स वाई प्लेन में लिगेंड्स हैं तीन और इस प्लेन में ऑर्बिटल्स कितने हैं? दो, x² - y² और dxy। तो ये जो रेड से है, दिस इज dx² - y², ऑब्वियसली आप लोग समझते होंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, समझना भी चाहिए। दूसरी बात, और dxy भी होगा, dxy को मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज dxy की चार लोब 45 डिग्री से होगी, ये 45 इस तरीके से। तो यानी कि एक प्लेन है जिसमें आठ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और लिगेंड है तीन, तो वो कहां से आना प्रेफर करेंगे? क्योंकि सीएफटी के अकॉर्डिंगली मेटल का पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है तो लिगेंड तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से 120 पे ही होंगे, तो कौन से डी ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन होगी? तो देखो लिगेंड हमेशा एक सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे तुमने सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जब तक पॉसिबल है वो करने की कोशिश करते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक लिगेंड को यहां से ले आते हैं, एक को कहीं यहां से ले आएंगे, दूसरे को यहां से ले आएंगे, फिर बोलेंगे सर इसमें तो डायरेक्ट dxy² - y² में डायरेक्ट रिपल्शन है, जबकि इसमें 120 से जब दो लिगेंड बाकी आएंगे वो डायरेक्ट रिपल्शन नहीं कर रहे xy के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि dx² - y² की एनर्जी ज्यादा होगी। तो तुम अपने आप लेके आए हो वहां से,
लीगेंड तो ऐसी जगह से आना चाहेंगे कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट सबके साथ बना रहे, ठीक है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिलहाल मेरी बात ध्यान समझो। वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट लीगेंड क्या बनाएंगे, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर प्लेन ज्योमेट्री है तो लीगेंड मेटल आयन से इस तरीके से अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, 120 120 120। अब यार ध्यान से देखो, मान लो एक लीगेंड यहां से आया है, ये बिल्कुल इन दोनों के बीच की जगह है, ठीक है, चाहे बनाने में थोड़ा सा इधर बन गया हो, 45 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये 22.5 हुआ, ये भी 22.5 हुआ। दूसरा लीगेंड जो है वो इस वाले लीगेंड से, किसी भी एक से दूसरे पे 120 पे है, तो 120 डिग्री वाले इसके हिसाब से दूसरा वाला कहां जाएगा, ये है 22.5, ये कितना है 45, ये कितना है 45, इनको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद तुम देखोगे कि दूसरा लीगेंड यहां से आ रहा होगा, और ये इसका बीच की जगह नहीं है, ये सिर्फ 7.5 डिग्री है, क्योंकि जब तुम इनको जोड़ दोगे 22.5 7.5 45 45, तो ये टोटल यहां से यहां तक के बीच का 120 एंगल हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही यहां से 120 पे एक और होगा, और अगर तुम उसको जोड़ोगे तो देखो ये वाला जो है 37.5 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सिर्फ एक को इतना डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसके बाद तुम्हें किसी के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। देखो ये वाला कितना है 45, 37.5, 45 में अगर 37.5 और जोड़ दिया जाए, 37.5 तो 120 ही हो जाता है, जोड़ के देखना इनको। तो ये तीन लीगेंड हो गए हैं, यानी ये इसके साथ 7.5 डिग्री पे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला लीगेंड इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, तो जितना रिपल्शन dxy के साथ कर रहा होगा उतना ही dx2 - y2 के साथ भी रिपल्शन है। ये वाला लीगेंड जो है ये dxy के बहुत क्लोज है, एक तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, 7.5 डिग्री का फर्क है। लेकिन ये वाला dx2 - y2 वाले की लोब किसके साथ ऑलमोस्ट डायरेक्ट हेड ऑन कोलिशन करता हुआ नजर आ रहा है, अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। तो तुम ध्यान से देखोगे, जितना भाई इस वाले को तो हटा ही दो क्योंकि ये दोनों के साथ बराबर रिपल्शन कर रहा है, ये वाला xy के साथ ज्यादा कर रहा है, ये वाला x2 - y2 साथ रिपल्शन कर रहा है, तो यानी कि सबके साथ बराबर ही बटे हुए हैं। तो तुम ध्यान से समझो, तीन लिगेंड 8 ऑर्बिटल स्पेस के अंदर, 8 लोब्स, वो अपने आप ही इस तरीके से ओरिएंट करेंगे उन लिगेंड्स को ताकि रिपल्शन सब में बराबर हो। सिमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से इन दोनों में बराबर रिपल्शन है और दोनों ही बराबर एनर्जी में आगे बढ़े हैं, क्योंकि तुम देख रहे हो ऑर्बिटल कितने पास पास हैं, और लिगेंड की अगर नेगेटिव फील्ड है तो वो बहुत ज्यादा रिपल्शन इनमें करते हुए नजर आने वाली है तुम लोगों को। अब तुम्हें कुछ ऐसी बात मैं बताने वाला हूं जो तुम्हें किसी को बतानी नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने तक ही वो ज्ञान रखना है। कभी भी तुम्हें लगे कि सर लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करते हुए आ रहे हैं, तो सिर्फ किसी एक ही ऑर्बिटल को वो तब अप्रोच करते हैं जब लिगेंड 90 डिग्री पे आएंगे या 180 डिग्री पे आते हों, तभी डायरेक्ट किसी लोब की तरफ को आते हुए नजर आएंगे। याद करो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी dxy और dx2 - y2 इसी प्लेन में थे, लेकिन लिगेंड x2 - y2 की तरफ से आए, तभी x2 - y2 की एनर्जी dxy से क्या थी, ज्यादा थी। तो मैंने क्या पॉइंट बता दिए हैं, ये गुरु मंत्र समझ लो बेटा, ये कहीं नहीं किसी किताब में नहीं है, समझ में आ रही है बात। जब भी लिगेंड 90 या 180 से आ रहे होंगे तो वो डायरेक्ट लोब को अप्रोच करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो एक ही ऑर्बिटल के लोब्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये वाले एंगल से नहीं आ रहे होंगे तो वो कभी भी डायरेक्ट लोब से अप्रोच नहीं करेंगे, और डायरेक्ट लोब से अप्रोच नहीं करेंगे तो सब में बराबर रिपल्शन करते हुए चलेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई? नहीं समझ में आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सारी कहानी जो ये बात मैंने यहाँ लिखी है इसके बेसिस पे ही समझाऊंगा। जैसे कि मैंने तुमसे कहा पेपर में क्वेश्चन आएगा लीनियर कॉम्प्लेक्स कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी का डायग्राम बताओ। तुम जानते हो डी ऑर्बिटल में लिगेंड कितने पे हैं? 180 पे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट लोब कौन सी? जेड वाली। तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। इसके अलावा जो उसी प्लेन में थे उनके साथ रिपल्शन हुआ, जो उस प्लेन में नहीं आए x2 - y2 xy उनकी एनर्जी बराबर रही लेकिन वो लो एनर्जी की हुई। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया ट्रायंगल प्लेनर, तो तुम क्या सोच रहे हो? मैंने यहां जितना एक्सप्लेन कर लिया तो मैं पेपर में याद रहेगा? ये बात जाननी बहुत जरूरी। तुम जानते हो कि सर ट्रायंगल प्लेनर में तो 90 180 तो है ही नहीं,
और ये वाले हम एक्स वाई प्लेन में मान के चल ही रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें समझ में आए सर कि एक्स वाई प्लेन वालों में क्योंकि 90 डिग्री से नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्ट लोब से अप्रोच नहीं करेंगे, कहीं बीच से ही कर रहे होंगे, और बीच से करेंगे तो सिमेट्री ऐसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो कि बराबर रिपल्शन करते हों। और एक्स वाई प्लेन में कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सबसे ऊपर एनर्जी में ये आ जाएंगे। और फिर तुम जानते हो डीजेड स्क्वायर पे कोई नहीं है लेकिन डीजेड वाले का कुछ कॉम्पोनेंट एक्स वाई में है तो उसकी एनर्जी यहां पर हो जाएगी, और डी एक्स जेड और वाई जेड वाले फिर बिल्कुल इनके लिए आइडेंटिकल हो जाएंगे इसका मतलब उसका एनर्जी डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सोचो टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो थियरी मैंने पढ़ के, ये मैंने क्यों कहा किसी बुक में नहीं है, क्योंकि बुक हमें सिर्फ डेटा देती है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा, यानी ये तो गलत है ही नहीं। अब उन डेटा से हम कुछ समझ पाएं तो वही बस हमारी केमिस्ट्री को लेके समझ और हमारा प्यार केमिस्ट्री के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने तुम्हें कहा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो सोचो क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी 90 डिग्री पे एंगल है, कोई भी लिगेंड 90 पे नहीं है, इसीलिए वो किसी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के लोब्स को अप्रोच नहीं करते हुए नजर आते हैं। और मैंने कैसे पढ़ाया था उसको कि अगर एक क्यूब है और एक क्यूब की अल्टरनेटिव पोजीशन पर एटम लगा दिए जाए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और उनको जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल। और मैंने मेटल्स की डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन भी बताई थी कि मेटल की ऑर्बिटल अगर तुम डीएक्स ये वाली एक्स एक्सिस मान लो क्यूब में, फ्रंट बैक वाली वाई और ऊपर नीचे वाली जेड एक्सिस, ये पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इस पे, क्योंकि मैंने कहा है पहले आप सीएफटी का वो लेक्चर देख के आइए उसके बाद आपको इस चैप्टर का ही मजा आ सकता है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, बीच में से कहानी फिल्म देखने वाली बात हो जाएगी। तो इस केस में भी तुमने देखा था कोई भी लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा था किसको, लोब्स की तरफ को, और जो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स थे वो किस डायरेक्शन में थे, एज सेंटर की तरफ को, इसीलिए डी एक्स वाई YZ और ZX उनमें ज्यादा रिपल्शन था, बैरी सेंटर में और लोअर एनर्जी में कौन से थे, dx square minus y square और dz square। ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ क्योंकि डेटा देना चाहता हूं इसलिए तो मैं लिखवा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर तुम डेटा लिखोगे कि किसमें कितनी स्प्लिटिंग होती है तो ये 1.78 से पर ऑर्बिटल इतनी एनर्जी से ऊपर जाता है और नीचे जो जाते हैं वो -2.67 से है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी तुम्हें पता चल जाएगी, क्योंकि पर ऑर्बिटल इतने से क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके 3 से, तो एनर्जी बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती हुई तुम्हें नजर आ जाएगी और तुम देखोगे बहुत कम, देखो 1.78 कंपैरिजन भी हो सकता है कि बाकियों में 5 पॉइंट समथिंग एनर्जी बढ़ रही थी, इसमें काफी कम हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं जो डेल्टा टी होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाए हैं, तो एक बार स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या था, अब ध्यान से देखना, जो कॉम्प्लेक्स है पहले उसे बनाओ, तुम्हें पेपर में ऑर्बिटल्स ऑफ डी एनर्जी पूछी जाएगी, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल पूछा जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं सब, यहां पर चार लिगेंड जो है 90 पे, और 90 और 180 सुनते ही समझ जाया करो किसी एक एक्सिस से आ रहे होंगे और किसी एक लोब को ही अप्रोच कर रहे होंगे वो भी डायरेक्ट, और हम जानते हैं कि इसमें हम इसको एक्स और वाई एक्सिस मान के चलते हैं। ठीक है, जब भी 90 और 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल रहेगा तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली उससे कम एनर्जी का कौन सा हो सकता है, एक तो है डी एक्स वाई, क्योंकि डी एक्स वाई की जो लोब है वो इनके बीच से जाती हुई नजर आएंगी तुम्हें, ठीक है, और रिपल्शन कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा, तो उसके बाद आएगा डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर वाला परपेंडिकुलर है लेकिन तुम जानते हो एक्स वाई प्लेन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी बट इतना हाई रिपल्शन नहीं है, तो डी जेड स्क्वायर इस तरीके से, और डी एक्स जेड और वाई जेड ये है जेड एक्सिस और यह वाई एक्सिस, तो इनके बीच में लोग निकलते हुए नजर आएंगे, तुम अपने आप समझ सकते हो मेटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स Y, Z, X, एक्स जेड वाला इधर जा रहा है एक लोब, एक इधर जा रहा है, एक इधर और एक इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही वाई जेड वाला एक इधर, एक इधर, एक नीचे को और एक इधर को, ये आठ की आठ लोब इन चार लिगेंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, ठीक है, क्योंकि यहां दो 90 डिग्री पे लिगेंड है, एक इधर है और एक इधर है, और ये लोब जो है एक यहां पे जा रही है इस 45 डिग्री तरफ को, एक इधर को इस लिगेंड के एग्जैक्ट इतना ऊपर, एक इधर इससे एग्जैक्ट इतना नीचे, एक एग्जैक्ट इससे नीचे, ऐसे ही एक लोब इधर है जो लिगेंड यहां पे है वाई एक्सिस पे उससे उतनी एंगल पे, एक लोब इधर 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 बना के देखो बेटा, सारी बातें मैं नहीं समझा रहा,
बना के देखो, सब चीजें मैच करती हुई नजर आएगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे लोअर एनर्जी में, और दोनों बराबर रह जाएंगे, आइडेंटिकल है, क्योंकि कौन कौन से, एक्स जेड और वाई जेड। हालांकि मैंने डीजेड स्क्वायर को बताया था, अगर मेटल 4D या 5D सीरीज का होता है तो उसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, तो लिगेंड बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, तो उस केस में हो सकता है डीजेड स्क्वायर की एनर्जी जो है वो चेंज होती हुई नजर आ जाए। वो पूरा मैंने डिटेल केस JDD एक्सट्रीम केस ऑफ JDD में डिस्कस किया है। और अगर मैं डेटा लिखूं, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं होता इसलिए मैं लिख देता हूं, तो D12.786 कितना हाई रिपल्शन है, और क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनते हैं, इसलिए हायर रिपल्शन जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और DXY वाला है जो बैरी सेंटर से स्लाइटली ऊपर होगा, जिसका जो डेटा है वो है 2.28। डेटा रटने की कोई जरूरत नहीं है, डेटा सिर्फ एक फैक्ट है, लेकिन बहुत मजेदार चीज होती है। DZ² -4.28 DQ की बात चल रही है, और ये -5.14 DQ की बात चल रही है। ये है तुम्हारे सामने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके बारे में मैंने एक आइडिया दिया है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है कि अगर 90 डिग्री पर हैं या 180 डिग्री पर हैं तो ही किसी के पर्टिकुलर एक्सिस से आ रहे होंगे और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के ही लोब को अप्रोच कर रहे होंगे। अगर वो वाला एंगल नहीं है तो वो सभी ऑर्बिटल को जो उस प्लेन में है उनके साथ बराबर रिपल्शन करते हुए नजर आएंगे। अभी तो हमें इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रीज पढ़नी है। ये जो मैंने बात बताई है ये हमें तब समझ में आएगी जब हम उन ज्योमेट्रीज में अप्लाई करेंगे जिनको हमने अब से पहले नहीं पढ़ा है। तो हमने लीनियर पढ़ लिया, ट्रायंगुलर प्लेनर में एक्सपेक्ट करूं तो मैं याद हो गया, टेट्राहेड्रल आता ही था, स्क्वायर प्लेनर आता ही था, थोड़ा सा और लॉजिकल रीजन समझ लिया है। अब हम एक और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो ज्योमेट्रीज आएंगी हमारे पास, TBP ज्योमेट्री भी आ सकती है और स्क्वायर पिरामिडल भी आ सकती है। अब दोनों के एनर्जी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री में डिओर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम ये है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ध्यान रखना है। प्लस TBP ज्योमेट्री के बारे में नेट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से समझो। पहले तो एक्सिस असाइन करनी सीखनी है, दिस इज योर ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री, इस तरीके से। इस बार एक लिगेंड ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर पे मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की थी बेटा क्योंकि जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं उसे यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। हम जानते हैं ये वाली एक्सिस है जेड और ये वाले जो हैं एक्स वाई प्लेन में है। अब देखो क्या मजा आ गया, तुम पहले से जानते हो एक्स वाई प्लेन में दो ऑर्बिटल होंगे सर, DXY एक DX² -Y² 8 लोब है सर और 3 लिगेंड हैं, और 90 डिग्री का बोर्ड एंगल नहीं है, 180 का नहीं, तो वो कहीं इस जगह से आ रहे होंगे जैसे मैंने बना के दिखाया था कि बराबर रिपल्शन कर रहे होंगे, तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल सर। लेकिन ये वाले दो लिगेंड तो जो जेड एक्सिस से है वो 180 पे आ रहे हैं, 180 पे आ रहे हैं तो बेटा ये तो सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे, तो सबसे ऊपर एनर्जी में कौन गया, DZ². अब तुम कहोगे सर कि ये जो DX² -Y² और DXY है ये तो बैरी सेंटर से ऊपर हुआ करते थे, ट्रायंगल प्लेनर में ये ऊपर थे, ये यहां आपने नीचे क्यों बना दिए हैं, क्योंकि देखो ये कितनी एनर्जी में हाई चले गए हैं, 7 point something, और मैंने बताया है दिस इज द हाइपोथेटिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर तुम किसी एक ऑर्बिटल को बहुत ऊपर ले गए हो तो इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो नीचे वाले एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना हम एनर्जी का, तो जब कोई नीचे आएगा तभी तो कोई दूसरा ऊपर जाएगा, बात समझ आ रही है। तो इसलिए डेटा बिल्कुल सही है और मैच करती हुई बातें हैं। तो मैं कोई डेटा तो पूछ नहीं रहा पर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर भी करता चल रहा हूं क्योंकि तुम इस क्लास में नहीं हो तो मुझे ही खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। और DXZ YZ वाली कहानी वही है, बात समझ आ रही है भाई, जेड एक्सिस ये रही और मान लो एक्स एक्सिस कहीं वहीं होगी इसके बीच में, तो इनकी लोब ना तो XY प्लेन में है ना जेड को ओरिएंट करती हुई नजर आ रही है, तो ये जो 8 लोब हैं 4 इसकी और 4 इसकी अलग प्लेन में होगी, कुछ इस प्लेन में होंगी कुछ इस प्लेन में होंगी, लेकिन वो इनके साथ कोई इंट्रैक्शन करती नहीं है, यानी इन सब लिगेंड्स के लिए वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रिपल्शन होगा हर डायरेक्शन में, इसीलिए वो वहीं पे है। तो ट्रायंगल बायपिरामिडल टफ मान के चलते हैं। अब मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ बेटा बहुत काम की चीज़ है और पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और इतनी सारी ज्योमेट्रीज हैं हम इनको समझते ही नहीं, हम सोचते हैं TBP रट के चले जाएंगे, चले जाओ रट के, इतनी सारी ज्योमेट्रीज है अगली बार वो कुछ और पूछ सकता है। नेक्स्ट ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ज्योमेट्री कौन सी है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का स्प्लिटिंग डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। तो भाई स्क्वायर पिरामिडल में स्प्लिटिंग तो इस तरीके से होगी, या तो एनर्जी ऑफ डिओर्बिटल पूछी जा सकती है, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है कि सर स्क्वायर पिरामिडल में कौन से एक्सिस को क्या मानना है। दिस इज योर मेटल, 5 लिगेंड है, ये एक्स वाई एक्सिस है, और ये अबव द प्लेन जो जाता हुआ नजर आ रहा है बेटा ये है तुम्हारे पास जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखो, तुम मुझे बताओ बेटा सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता हुआ तुम्हें नजर आएगा, क्योंकि इस बार 4 लिगेंड यहां से आ रहे हैं और वो 90 में, तो सीधी सी बात है X² - Y² की तरफ को जाएंगे। जब भी 90 पे होते हैं तो डायरेक्ट लोब को फॉलो करते हैं, लोब की तरफ को जाते हैं, तो X² - एक्सिस की तरफ से आएंगे, यानी कि 90 वाले। ये हमारी एजम्पशन होती है
कि अगर 90 डिग्री पे आ रहे हैं चार लिगेंड इस तरीके से, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो रूल है वो हमने ही बनाया हुआ है अपनी केमिस्ट्री को समझने के लिए। अब यहां से देखो, तो सबसे ऊपर आ गया डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बहुत हाई एनर्जी से ऊपर आया 9.14, समझ में आया। चार लिगेंड डायरेक्ट लोब टू लोब इंटरेक्शन, ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। डी जेड स्क्वायर बेचारा एक साइड से लिगेंड है, दूसरी साइड से नहीं है, लेकिन कुछ डी एक्स वाई प्लेन में भी एनर्जी है। तो सब उसके बाद डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद रिपल्शन जिसमें ज्यादा होता नजर आ रहा होगा वो कौन है, डी जेड स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात। अब सर डी एक्स वाई वालों का क्या होगा, डी एक्स वाई वाले तो बेटा वो लिगेंड जो है इस तरीके से हैं, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो इनकी लोब बीच में है, तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है लोब से, 45 डिग्री पे है, तो ठीक है मान लिया रिपल्शन होगा। अब जरा ध्यान से देखो, डी जेड स्क्वायर जितनी एनर्जी से ऊपर गया है डी एक्स वाई उतनी ही एनर्जी से नीचे गया है, तो जो एनर्जी से रिलीज की वो तो उसने एब्जॉर्ब कर ली। और सबसे कम एनर्जी में कौन से होंगे, फिर से वही बेटा एक्स जेड और वाई जेड, क्योंकि एक्स जेड और वाई जेड वाली बात क्या हुई, वही सीधी सी बात है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, लिगेंड यहां है दो एक्स एक्सिस पे हैं, दो वाई पे हैं। अब इनकी लोब बिल्कुल बीच से जा रही है यहां या फिर दो इस तरीके से, तो इसका मतलब इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं है ज्यादा, तो सबसे लोअर एनर्जी में है। दो ऑर्बिटल कितनी एनर्जी से नीचे है, 4.17 पर ऑर्बिटल, 4.57 ऑर्बिटल एनर्जी, तो दो ऑर्बिटल कितने होंगे, इंटू टू कर दो, और ये एक ऑर्बिटल उतनी एनर्जी से ऊपर गया होगा, तो जितनी दो ऑर्बिटल ने एनर्जी रिलीज की है या अकेले ने एब्जॉर्ब की होगी, इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी, इसको हम पेरिसेंटर का नाम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली सारी चीज समझाते हुए चल रहा हूं मैं तुम्हें। इसके बाद लेट सपोज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो मैं बार बार समझा रहा हूं इस क्लास को, मैं उसी तरह समझा रहा हूं कि तुम CFT वाली क्लास पूरी देख के अभी अभी फ्रेश फ्रेश मेरे सामने बैठे हुए हो, तभी तुम्हें इस क्लास में वो बात समझ में आएगी, तुम्हें लगेगा कि कंटिन्यूटी में बातें हैं। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और आप डायरेक्ट देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से आ रहे हैं बेटा, 90-90 से आ रहे हैं सारे, 90-90-90 90 से 90 से 90, और मैंने बताया था जब भी 90-90 से आ रहे तो एक्सिस के अलोंग आएंगे हमेशा, ऐसे मान के चलेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, तो कौन से डी ऑर्बिटल की लोब एक्सिस पे होती है, तो आंसर है सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सर डी जेड स्क्वायर की, और किन की लोब एक्सिस के बीच में होगी वो सब बराबर है, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, पूरा डिटेल में समझाया, दिस इज योर बैरी सेंटर। और अगर डी, वैसे तुम डेल्टा नॉट की टर्म में तो एनर्जी जानते ही हो, डी क्यू की टर्म में मैं बता देता हूँ, 1 delta naught = 10 DQ होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो ये 6 DQ और ये -4 DQ, तभी तो ये 0.6 और 0.4 डेल्टा नॉट के हिसाब से आप लोग इसे याद करते थे। तो ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और बहुत सारी ज्योमेट्री हमारे पास बची हुई है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर पर बचे हुए हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे, जो कि मैं हर क्लास में बोलना स्टार्ट करने वाला हूं। आपको लगता है कि ठीक सर आप सही ने जो बहुत एक्सप्लेनेशन दी विद डेटा और बहुत सही समझ में आई चीज़ें, ध्यान में रखने का तरीका है, और आगे वाले तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। इसको बहुत ध्यान से समझो बेटा, ठीक है।